डॉक्टर यज्ञवेश शर्मा IIAG ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आजकल हम प्रोफेशन के ऊपर अधिक से अधिक वीडियो डाल रहे हैं। हर प्रोफेशन की वीडियो अलग अलग हम बना रहे हैं और हम आपसे भी सभी शोधार्थी और विद्यार्थियों और जो अपने मित्रगण हैं उन सभी से भी निवेदन मैं करूँगा कि आप हमें अधिक से अधिक इनबॉक्स में आकर या कमेंट इनबॉक्स में आके हमें कमेंट्स करें और अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम में हमें दें, जिससे हम उस प्रोफेशन के हमें डेट ऑफ बर्थ टाइम दें जिससे हम अधिक से अधिक रिसर्च कर सकें। आइए मित्रों, आज का जो मेरा मुख्य जो टॉपिक है वो है कौन व्यक्ति वकालत के प्रोफेशन में अधिक सफल होगा। अर्थात आपके सामने है अधिवक्ता, वकील, जज, सरकारी वकील बनने के क्या क्या नियम होते हैं आपकी जन्म कुंडली में। आइए अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर एक कुंडली लगी हुई है और जिन बॉक्सों में स्टार बने हुए हैं वो भाव बहुत अधिक हमारे काम के भाव है, अधिवक्ता बनने के लिए, जज बनने के लिए, वकील बनने के लिए। तो किसी भी जन्म कुंडली में दूसरा भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, नौवां भाव और दसवां भाव, ये मुख्य भाव हैं जो किसी भी व्यक्ति को अधिवक्ता बना सकते हैं। दूसरा भाव हमने यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि ये वाणी स्थान है। आप किस प्रकार अपने केस को वाणी के माध्यम से पुटअप कर सकते हैं, कैसे आप बोलते हैं, क्या आपका बोलने का तर्क शक्ति, विचार शक्ति क्या है, ये सभी सेकंड हाउस से हम देखेंगे। तीसरा है पराक्रम साहस, अर्थात किसी भी चीज को जज के सामने रखना या पब्लिक मीटिंग्स में रखना, आपके अंदर कितनी एनर्जी है, क्या उत्साह है, कौन सा पराक्रम है, किस पराक्रम के माध्यम से आप उसको सामने पब्लिक में रख रहे हैं, तो तीसरा भाव यहाँ उत्साह, पराक्रम, हिम्मत का है। छठा भाव हमारा कानून का है, वाद विवाद का है, लिटिगेशंस का है और कोर्ट कचहरी मुकदमा, इन सभी को हम सिक्स्थ हाउस से देखना है। नाइन्थ हाउस हमारा न्याय का है, धर्म का है, किस प्रकार नीति पर चलकर आप किस व्यक्ति को न्याय दिला पाएंगे। और दसवां भाव हमारा आजीविका का है, अर्थात आपका प्रोफेशन क्या रहने वाला है, वो उसके माध्यम से आप वकालत, जज या वकील या किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए हमारा दसवां भाव अति महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, अब आइए आपके सामने हमने यहाँ पर कारक ग्रह लिखे हुए हैं। किसी भी वकालत के प्रोफेशन में जाने के लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ग्रह कारक होते हैं। तो सबसे पहले आपके कौन से कारक ग्रह हैं और ये नियम भी हैं, इनको आप रूल की तरह समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल, कारक ग्रहों में सबसे पहला कारक ग्रह है गुरु। गुरु हमारा नीति, विवेक, न्याय व कानून में सफलता का कारक है। अर्थात जिस व्यक्ति का जन्म कुंडली में गुरु दसवें भाव या नौवें भाव से कनेक्ट होता है तो वह अधिवक्ता की तरफ जा सकता है और बिना गुरु के किसी भी प्रोफेशन में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ही मेन कारक माना जाता है हर प्रोफेशन के लिए। इसलिए अभी एक प्लेनेट से ही आपने उसका प्रोफेशन डिसाइड नहीं करना है क्योंकि बाकी भी अभी अपना पूरा रोल निभाते हैं। उसके बाद आता है शनि। शनि न्याय का कारक है, दंड का कारक है, अपराधों में रोकथाम का कारक है, किसी भी व्यक्ति को गलत कार्य को जो उसने किया है उसको दंड देने का भी कारक है। इसलिए यहां शनि का भी रोल रहने वाला है। मंगल एक नई ऊर्जा है, इन्फोर्समेंट है, अपनी बातों को सामने वाले के सामने रखना, किस एनर्जी, किस उत्साह के साथ आप अपनी बातें रख रहे हैं, उन सभी का कारक यहां मंगल है। और जो अगला कारक है वो है बुध। बुध वाणी का कारक है, वाक्पटुता का कारक है, आप किस प्रकार से अपनी चालाक वाणी से सामने वाले अधिवक्ता को या दूसरे वकील को किस प्रकार घुमा सकते हैं अपनी बातों में, क्योंकि किसी भी केस को लड़ने के लिए मुख्य रूप से हम अपने विवेक बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि बुध यहाँ विवेक और बुद्धि का भी कारक है। इसलिए ये चारों प्लेनेट वकालत के प्रोफेशन में मुख्य कारक कहलाएंगे। मित्रों, अब देखिए कुछ भाव कारक होते हैं जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुख्य भाव कौन कौन से कारक भाव हैं। दूसरा भाव, तीसरा भाव,
छठा भाव, नौवां और दसवां। दूसरा भाव मैं आपको बता चुका हूं वाणी का है, तीसरा पराक्रम का है, छठा कानूनी वाद विवाद का है, नौवां न्याय का है और दसवां आपका आजीविका का है। तो इन भावों का मुख्य रोल रहने वाला है। इसी प्रकार अधिवक्ता के लिए, वकालत के लिए कुछ राशियां मुख्य रूप से कारक होती हैं, धनु और मीन। धनु और मीन राशि गुरु की राशियां हैं और प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा ये चला आ रहा है कि धनु और मीन राशि अधिकतर न्याय की तरफ, अधिवक्ता की तरफ और हमें किसी व्यक्ति को धर्म पे चलाने के लिए इन दोनों राशियों का मुख्य रोल रहता है। और तुला राशि जो है आपको उसका सिंबल भी आप जानते हैं, तुला तराजू को तोल, तराजू का इसका सिंबल है और वो तराजू हमारे यहाँ न्याय का भी कारक है, अर्थात तुला राशि वालों के लिए भी विशेष रूप से न्याय का संबंध बनता है। सिंह राशि स्वयं सूर्य भगवान की राशि है और राजा की तरह न्याय करना और मुख्य रूप से सिंह राशि का रोल जब आता है, जब व्यक्ति सरकारी वकील या जज की तरफ बढ़ता है तो सिंह राशि का भी रोल आएगा। इसी प्रकार ये सारे नियम दोस्तों आपके सामने लिखे हुए हैं, अब मैं आपको धीरे धीरे एक एक नियम एक्सप्लेन कर देता हूं। मित्रों देखो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नियम नंबर वन, पहला है गुरु की जो दो राशियां हैं धनु और मीन, इन दोनों को न्याय, नीति न्याय और कानून व्यवस्था का कारक माना गया है, इसलिए आपकी जन्म कुंडली में दसवें, नौवें और छठे भाव में यदि गुरु की दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि धनु या मीन है, उसका संबंध बन रहा है, तो हो सकता है आप अधिवक्ता या नियम अधिवक्ता या वकील बन सकते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति का नौवां भाव यदि दसवें भाव से संबंध बना रहा है, नौवें भाव का स्वामी दसवें भाव में है, दसवें भाव का स्वामी नौवें भाव में है, तो भी व्यक्ति अधिवक्ता या वकालत के प्रोफेशन में रह सकता है। अगला नियम है यदि आपकी दसम भाव में तुला राशि है, नौवें भाव में तुला राशि है और तुला राशि का संबंध गुरु और शनि या उच्च का शनि तुला राशि में बैठा होता है जन्म कुंडली में, चाहे वो नौवें भाव में बैठे, चाहे दसवें भाव में बैठे और चाहे छठे भाव में बैठे, तो व्यक्ति वकालत के प्रोफेशन में जा सकता है। इसी प्रकार जो अगला नियम है, यदि सात नंबर, नौ नंबर, सात नंबर, नौ नंबर और बारह नंबर इन राशियों में, अर्थात तुला राशि में, मीन राशि में, धनु राशि में यदि गुरु उच्च का हो, अगला जो नियम है तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि में यदि गुरु इन राशियों में बैठा हो और वो पावरफुल पोजीशन में हो, उसका बलाबल आप देखेंगे, वो बलाबल की स्थिति में अच्छी स्थिति पोजीशन दिखा रहा हो, तो व्यक्ति वकालत के प्रोफेशन में जा सकता है। आइए मित्रों अगला जो नियम है वो ये है कि तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि, अर्थात सात, सात नंबर, नौ नंबर और बारह नंबर राशि में गुरु बलि होकर लगन लग्नेश और दसम दशमेश से संबंध बनाता है, तो ऐसा जातक कानून से संबंधित पढ़ाई करता है या कानून से संबंधित व्यापार करता है। मैं एक बार ये पूरा नियम दोबारा रिपीट कर देता हूं। यदि गुरु तुला राशि में, धनु राशि में या मीन राशि में हो और बलि होकर लगन लग्नेश दसम दशमेश से संबंध बनाता है, तो ऐसा जातक कानून से संबंधित व्यापार करता है। अगला नियम है मित्रों, यदि सिंह राशि का सूर्य नवम भाव या दसम भाव में हो और गुरु का भी संबंध वहां बन रहा होता है, तो भी व्यक्ति न्याय के प्रोफेशन में उच्च अधिकारी बन सकता है। मित्रों अब आप देखिए, यदि शनि दसम या नवम, दसम भाव का स्वामी हो या नवम भाव का स्वामी हो और गुरु की शनि पर दृष्टि हो
तो भी व्यक्ति न्याय के प्रोफेशन में आसानी से जा सकता है। तो ये बहुत सारे नियम हैं, ये सभी नियम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जितने भी मैं नियम बता रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे गुरु शनि मंगल और बुध के ही मुख्य नियम हैं और इन तीन राशियों के ही मुख्य नियम हैं, और आपका दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, छठा और नौवां स्थान ही मुख्य कारक स्थान है। ये सभी न्याय के स्थान होने के कारण आपको वकालत के प्रोफेशन में आगे बढ़ा सकते हैं। एक मुख्य नियम भी है, यदि नवम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा हो और दशम भाव का स्वामी नवम में बैठ जाए, मतलब आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो भी व्यक्ति कानून संबंधित, क्योंकि ये न्याय, कानून न्याय का भाव है और ये आजीविका का भाव है, तो भी व्यक्ति कई बार जो है वकालत के प्रोफेशन में जा सकता है, अधिवक्ता बन सकता है। मित्रों अब देखिए अकॉर्डिंग टू कृष्णामूर्ति पद्धति क्या रूल्स बनते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं किसी भी बड़े प्रोफेशन में जाने के लिए हमें एजुकेशन का बार टेस्ट जरूर करना पड़ता है। तो यहां आप देखेंगे फोर्थ कस्प, जो हमारा चौथा भाव का जो फोर्थ कस्प है, ओसीएस कस्पल सब लॉर्ड, अर्थात ये एजुकेशन के नंबर प्लस में, एजुकेशन के नंबर आपको पता ही है 4, 9, 11, इन नंबरों को सिग्निफाई करता है, और साथ में 2, 3, 6, 9 and 10 इन भावों को सिग्निफाई करता है, या इनमें से एनी 3, और मुख्य भाव है 6, 9 and 10। यदि इन भावों को सिग्निफाई करता है तो व्यक्ति वकालत के प्रोफेशन में जा सकता है। अगला जो रूल है वो ये है कि फोर्थ कस्प सब लॉर्ड यदि एजुकेशन प्लस में 6, 8, 9 and 10, यदि इसको रिप्रेजेंट कर देता है, 6, 8, 9 and 10 को रिप्रेजेंट कर देता है, तो भी व्यक्ति कानून से संबंधित पढ़ाई पढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो 8th हाउस है उसको भी यहाँ कृष्णमूर्ति ने इन्वॉल्व किया है। तो ये कुछ छोटे छोटे नियम हैं कृष्णमूर्ति पद्धति के, यदि आपका एजुकेशन के नंबर वहाँ प्रॉपर आ रहे हैं और इनमें से मुख्य तीन भाव अगर वहाँ आ जाते हैं, तो व्यक्ति वकालत के प्रोफेशन में आसानी से जा सकता है।